गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टू डेज टॉपिक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड न्यू यूनिट, यानी नई यूनिट से हम जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम दो या तीन भागों में डिवाइड करके कम्प्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ जो न्यूट्रिशन है, तो हम पिछली क्लास में जैसे न्यूट्रिशन डेफिनेशन वगैरह हम क्लास हो चुकी है, फिर भी आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो फर्स्ट क्लास में जो बाइटरी न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक बैलेंस एंड सफिशेंट जो है डाइट होती है और इंटेक और द मोस्ट एसेंशियल होती है चिल्ड्रन के लिए, और जो ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिवेंट द जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंडीशन है उससे हमें प्रिवेंट करती है, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन से दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं मोर एसेंशियल होते हैं और यील्ड बॉन्डिंग होते हैं, यानी यील्ड बॉन्डिंग एनर्जी होते हैं जिसमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फैट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, अब इन्हीं की डेफिनेशन के कारण से जो डिजीज डेवलप होते हैं उनके बारे में हम शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में सबसे पहले लेते हैं हम इंट्रोडक्शन क्या होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मोस्ट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है वह हमारी इंडिया की और बाकी कंट्रीज की बड़ी प्रॉब्लम्स है, जो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट ऑफ या डाई फॉर 55% चिल्ड्रेन डाई फॉर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो इसके इफेक्ट के कारण, इसके प्रभाव के कारण लगभग देश में 55% जो चाइल्ड है जिनकी डेथ माल न्यूट्रिशन के कारण होती है। माल न्यूट्रिशन जो है जो इंक्रीज करते हैं लार्ज मोबिलिटी एंड मोटिलिटी को, जैसे कि जो कॉजेज हैं लाइक कॉजेज जैसे ARI एंड न्यूट्रिशन डायरिया एंड डेफिशिएंसी इंसल्ट, ये सभी क्या है जो हिडन माल न्यूट्रिशन होते हैं जो एक बड़ी डिजीज को डेवलप करते हैं। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर जो है इसके कारण से 60 मिलियन जो चिल्ड्रन है एवरी ईयर और 1 लाख जो चिल्ड्रन है 1 मंथ के अंदर जिसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के कारण जो है डेथ हो जाती है एवरी ईयर, एंड 2.5 मिलियन जो ब्लाइंडनेस चिल्ड्रन में डिजीज होती है वे विटामिन ए की कमी कारण होती है, वह 2.5 मिलियन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में आता है। एंड ग्लोबल स्केल ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स जो डिजीज हैं, फर्स्ट ऑफ क्रॉसियल कोर, सेकेंड मेरास्मस, थर्ड ऑप्थेल्मिया ग्लोबथेल्मिया, न्यूट्रिशनल एनीमिक एंड एनीमिक वाइटर, ये ग्लोबल स्केल्स में 5 प्रिंसिपल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज है। ये आर बीइंग अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन ऑफ जो हाई हायर प्रायोरिटी एक्शन होते हैं, कवासिक और ज़ेरोथर्मिया, न्यूट्रिशन एनीमिक और एनीमिक वाइटर एंड मेरास्मस। द इफेक्ट ऑफ माइल्यूट्रिशन कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी पे है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण जो माइल्यूट्रिशन के कारण जो इफेक्ट पड़ता है वह दो प्रकार से पड़ता है, जो इफेक्ट करते हैं दो प्रकार से, एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट
जो है इफेक्ट करते हैं, जैसे कि फ्रैंक एंड सब क्लिनिकल डिजीज, जैसे कि मेरास्मस, कवासिक और विटामिन मिनरल्स के डिजीज कारण होने वाले डिजीज, जो कि डायरेक्ट जो कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि लार्ज मोर्टिलिटी या हाई मोर्टिलिटी और एंड मोर्बिडिटी। नेक्स्ट जो रिडक्शन देते हैं फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लोअर विटालिटी ऑफ पीपल एंड लीडिंग टू लोअर प्रोडक्टिविटी, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी लोअर विटालिटी देते हैं पीपल को लीडिंग टू लोअर प्रोडक्टिविटी के कारण। नेक्स्ट इसमें जो होते हैं जो ये परमानेंट डिसेबिलिटी देते हैं और रिड्यूस करते हैं एक्सपेक्टेंसी। तो कम्युनिटी बेस पे ये दो प्रकार से इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। अब लेते हैं हम मैन्यूट्रिशन डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन है मैन्यूट्रिशन इज डिफाइंड ए पैथोलॉजिकल स्टेट, पैथोलॉजिकल स्टेट रिलेटिंग फॉर रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक्सेस और वन और मोर एसेसिव न्यूट्रिशन। यानी जो मैन्यूट्रिशन को एक पैथोलॉजिकल स्टेट पे डिफाइन किया गया है, इसका मतलब यह है कि जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट और एक्सेस और वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है उनकी कमी के कारण कमी होती है, इसे हम मैन्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एंड जो मैन्यूट्रिशन एंड विटामिन डेफिशिएंसी एंड मिनरल डेफिशिएंसी है जो एक इफेक्टिव फैक्टर है हमारे इंडिया का फॉर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इन आवर कंट्री। अब लेते हैं इकोलॉजी ऑफ मैन्यूट्रिशन। इकोलॉजी ऑफ मैन्यूट्रिशन, मैन्यूट्रिशन इज मेड अप back to human disease for human society. The etiology of malnutrition complex with, यानी ecology of जो है malnutrition complex है, जो factor influencing होते हैं, पहला factor है infections and disease conditions, दूसरा है poor social economic status, तीसरा है यानी third culture and influencer, fourth है inadequate health and other services. यानी infection and disease conditions, यानी जो malnutrition का जो disease है, जैसे कि इन्फेक्शन डिजीज ARI, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डायरिया, जो कि ये एक इन्फेक्शन डिजीज है, डिलीवरेट डिस्ट्रक्टिव फूड ड्यूरिंग लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फीवर, फूड एब्जॉर्प्शन ओवर इंटेस्टाइन एंड पेरास्टाल्टिक हार्ट ब्लीडिंग कॉज ऑफ मैन्यूट्रिशन। यानी जो ये इन्फेक्शन डिजीज है जो लीडिंग करते हैं डिजीज को, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, जो इंटरनल इन्फेक्शन है उनको, जो ये मानसिक कारण डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी ये जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी पुअर है, जिसके कारण से ये जो फैक्टर्स है जो मैन्यूट्रिशन जो डिसऑर्डर को इंक्रीज करता है, जैसे कि पुअर एजुकेटेड फैमिली एंड लार्ज फैमिली
रिपीटेड प्रेगनेंसी, डिस्ट्रूबर्ड फैमिली और अनएजुकेशन, और जो रिलेटिंग जो न्यूट्रिशन डाइट है उनके बारे में, जो अनएजुकेशन जो फैमिली होती है उनकी है, और भी जो रीजन होते हैं जो माल न्यूट्रिशन को डिसऑर्डर्स को डेवलप करते हैं सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर। जो थर्ड है कल्चर इन्फ्लुएंसिंग, यानी जो कल्चर है जो संसार का, जैसे कि कुछ डिजीज में जो अंधविश्वास सुपरस्टिशन है एंड जो रिलीजियस जो रीजन है वो, एंड फूड टेबूस है, कुकिंग प्रैक्टिसेस है एंड और कोई इन्फ्लुएंसिंग और माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन को पावरफुल इंडस्ट्री है ये जो बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है कि फैसिलिटी चार्ज डेरिंग प्रैक्टिसेस रेयर अवेलेबल मदर्स इंक्लूसिंग न्यूट्रिशन स्टेटस फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी तो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एनेटल केयर एंड मेंटल केयर में माल न्यूट्रिशन की, वो इनएडिक्वेट होती है यानी कम होती है, जिसके कारण से ये डिजीज माल न्यूट्रिशन डेवलप होता है, जैसे कि लो बर्थ बेबी एंड प्रीमैच्योर। मेंटल हेल्थ जैसे कि लैक्टेशन पीरियड का फेल होना, ब्रेस्टफीडिंग फेलियर, डिले वीनिंग, ये सभी कारण जो है जो माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इनएडिक्वेट हेल्थ एंड अदर सर्विसेज। इनएडिक्वेट हेल्थ यानी जो हेल्थ सर्विसेज है यानी जो प्रोग्राम्स है वो जो रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, उन तक बच्चों तक पहुँच नहीं पाते मोस्टली, और जो 50% जो केसेज होते हैं डिसऑर्डर वाले वो हम न्यूट्रिशन डिसऑर्डर वाले वो हम ऐसे एजुकेशन के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन असेसमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन आर नॉट सफिशिएंट फॉर द वल्नरेबल पॉपुलेशन स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, रूरल, ट्रिबल एंड बैकवर्ड एरिया। अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, क्या हम न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स का कैसे असेस करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें असेसमेंट फॉर डाइटरी इंटेक, यानी डाइटरी हिस्ट्री के द्वारा हम असेस करते हैं कि जो डाइट हिस्ट्री है और डाइटरी है, ये जो बेबी ने जो स्पेसिफिक फूड है कंज्यूम है, इनके अमाउंट है, क्वांटिटी है, एडिक्वेट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू है। नेक्स्ट लेते हैं एंथ्रोपिक एंथ्रोपनेटिक एग्जामिनेशन, यानी चिल्ड्रन का या बच्चे का पेरेंट्स का एग्जामिनेशन करना है एंथ्रोमेटिक तरीके से, जैसे कि हेड, वेट, लेंथ, हेड सम्पुशन जो स्पेशल इंडिकेट करते हैं किसी प्रॉब्लम्स को या न्यूट्रिशन डिफिशेंसी डिसऑर्डर को। थर्ड इसे लेते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किसी स्पेसिफिक साइन के लिए जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो हेड टू फूट एग्जामिनेशन इज डन डिटेक्ट द क्लासिकल क्लासिकल साइन ऑफ वेरियस डेफिशिएंसी स्टेटस। फोर्थ है असेसमेंट ऑफ एसोसिएट प्रॉब्लम, एसोसिएट प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, जैसे कि ARI है, इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, या ट्यूबरकुलोसिस है, मेलाप्सिपोर्सन सिंड्रोम है, यानी इन्फेक्शन शुड बी मेड फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। लास्ट है सॉरी सेकेंड लास्ट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इज, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे है, सोनोग्राफी, जो भी मस्ट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए वो सभी इन्वेस्टिगेशन हमें करवानी है। असेसमेंट फॉर इकोलॉजी फैक्टर, जो कि हम इकोलॉजी में हम देख चुके हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर है एंड इन्फेक्शन डिजीज कंडीशन है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है, इंडिविजुअल हेल्थ एंड अदर सर्विसेज, जो कि हमें असेसमेंट करनी है और असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के अंदर, इससे हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का सही तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। थैंक यू।